बर्थडे देख लो, अपनी स्किन सुंदर लग रही है, कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फूड कोर्ट है, सबवे वगैरह है, KFC है, सारी चीजें हैं। और तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट प्रदीप कुमार, आई होप यू लाइक इट एंड फाइन। कैसे हो आप सब लोग भाई? मैं ठीक हूँ, अच्छा लगा वापस आने में। तो भाई आज के व्लॉग का टॉपिक जैसे कि आपने देख लिया होगा, अपन ने नई गाड़ी ले लिया भाई, पहली गाड़ी है मेरी UK में। तो ये लोकेशन, घर मैं छोड़ रहा हूँ और अब मैं मूव कर रहा हूँ डर्बी वाली साइड। पहले मैं लंदन रहता था, जैसे कि अभी मैं लंदन हूँ, अब मैं मूव कर रहा हूँ डर्बी वाली साइड। क्यों कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, बात बता देंगे, ये तो पूरी जर्नी पड़ी है अपनी। तो अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैंने को कैसे करना चाहिए। तो मैं जो मेरे कपड़े धुले हुए हैं ना, साफ सुथरे हैं, वो मैं यहाँ रख रहा हूँ, उसको एक लगेज में डालूंगा। अच्छा, ये जो है ये मेरे को वॉश करवाना है, तो ये डायरेक्ट ही मैं गाड़ी में डाल दूंगा। तो मैंने ये बैग सेट कर दिया, इसमें मेरे सारे साफ कपड़े हैं और मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स है, सारा सिस्टम मैंने इसमें फिट कर दिया अच्छे तरीके से, और ये डन है ये वाला बैग। और ये वाला बैग निकालता हूँ, मैं सोच रहा हूँ ये जो है ना, ये वैक्यूम बैग था जिसमें मैं ये लेके आया था, ये तो मैं ऐसे ही रख दूंगा डिग्गी में। इसके अंदर सारे मैले कपड़े प्रॉपर तरीके से तय करके डालता जाता हूँ इसमें। मैंने मैं बैग वगैरह पैक कर लिया, कई सारा सामान हो रहा है, और वो खड़ी अपनी कार वाइट कलर वाली, कबूतर ने बीट कर दिया, वेरी गुड। सेकेंड वन की बारी है, ये मेरे दो इतने बड़े लगेज है। उसके बाद भाई अपना ब्लैंकेट रह जाएगा, मैले कपड़े रह जाएंगे, छोटी मोटी और चीज़ें करेंगे, कोशिश की फिट हो जाए सारा बूट में। इसका बूट है अच्छा बड़ा है, पर देखते हैं। चलो भाई, सारा कुछ हो गया, सारा साफ ले लिया और बस चलते हैं, बाय बाय कर देते हैं इस रूम को। दोस्तों सारा फिट कर दिया, बस एक मेरा जो वो था ना, ये यहाँ पे मैंने डाला है मेरा ये ब्लैंकेट, और सब मैंने सारा पीछे फिट कर दिया। अब देख लो आप कितनी बड़ा इसका बूट होगा। अच्छा है यार, इतने बड़े बड़े लगेज भी फिट हो गए और सारा सिस्टम इधर फिट हो गया, सो गुड। चले फिर, चले चलो फिर। एक बार मैं आगे वाला शीशा साफ कर लूँ, वो मैं पानी लेके आया, एक बार थोड़ा सा वो साफ कर लेता हूँ। दोस्तों चलो भाई, एक नई शुरुआत के लिए स्टार्ट कर रहे हैं अपन। वो रही अपनी कार, सब चीज़ रेडी है। एक बार मैं एनर्जी ड्रिंक ले लूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ मैं कम सोया था, मैं तो मुझे एनर्जी ड्रिंक मैं पीता नहीं, मैंने छोड़ दी थी बीच में, पीने लग गया था जब मैं नाइट शिफ्ट करता था महीने में, मैंने पी है अच्छी, पर ये अच्छी नहीं होती यार सेहत के लिए, तो फिर मैंने छोड़ दी थी। पर आज लेनी ज़रूरी है यार, कभी कभी ले सकते हो आप जब जरूरत हो, तो आज ले लेते हैं। कितने सारे ऑप्शन हैं, चूज़ करता हूँ मैं, देखता हूँ कौन सा लेंगे। भाई दोस्तों सब सेट हो गया, ये रख दिया अपन ने ड्रिंक। भाई यार ये दो ले लिए, मैं रिस्क नहीं ले सकता बिल्कुल भी, रिस्क तो क्या है, पर मेरे को सही है, मेरे को जरूरत है तो मैं ले रहा हूँ। मैं ज़्यादा नहीं पीता, पर आप भी ना पियो भाई, मैं रिकमेंड नहीं करता इसे कि आप एनर्जी ड्रिंक पियो। गाड़ी देख लो अपनी कितनी सुंदर लग रही है, कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और पीछे अपना मैंने एक अपना ये बैग रखा हुआ, एक जैकेट है और एक ये ब्लैंकेट है, और बाकी सारा अपना बूट पे है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई कैसा लगने लग रहा है। तो और अभी ये सारा अभी ग्रूम करूँगा मैं, बढ़िया बनेंगे एक नंबर। तो चलो चलते हैं अपने, मैं जर्नी में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि भाई मैं कैमरा नहीं यूज़ करूंगा, और पहली बार इतना लंबे रूट पे जा रहा हूं मैं, तो फिर मैं एक बार नहीं करता यूज़, आगे आगे धीरे धीरे अगर मुझे, मैं यहाँ पे अपना कैमरा लगा दिया करूँगा तो फिर वो शूट कर लेगा। लो भाई दोस्तों, मैं मेरी ऑलमोस्ट यू मानो 75 miles रह गई है जहाँ तक मुझे पहुँचना था, और भाई मुझे आ रहा था बहुत ज़ोर से सुसू, और मैं बीच में यहाँ रुक नहीं सकते थे, तो ये अपना ब्रेक स्टेशन आ गया यहाँ पे ना, सारे मतलब पेट्रोल पंप है और खाने पीने की जगह है, तो फिर मैं यहाँ रुक गया। 2 घंटे तक यहाँ पे पार्किंग फ्री है, ठीक है। तो ये आपको दिखाता हूँ, ये देखो लिखा हुआ, ठीक है। और ये रहा अपना अपनी गाड़ी, और मैं ये फेंक के आता हूँ। और चलो भाई, मेन सुसु करना था, अरे खाने का मन तो कुछ भी नहीं है मेरा, पर देखते हैं क्या है इसी, मैं देख लूँ। बहुत हो गया, गाड़ी लोग है, चलो चलते हैं फिर। हाँ तो ये जो एरिया है ना, ये पेट वॉकिंग एरिया, मतलब यहाँ इस घास में सिर्फ मतलब पेट्स को घुमा सकते हो आप, मतलब कि यहाँ पे डेडिकेट प्लेस है डॉग्स के लिए, पेट्स के लिए, जैसे कि क्यूट सब डॉग करके भी है। चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ वॉशरूम यूज़ करना पड़ने तो कोई। यहाँ पे सारे फूड कोर्ट है, सबवे वगैरह है, KFC है, सारी चीज़ें हैं।
और सही है, बस मुझे तो कुछ खाना नहीं था, मेरे को तो वॉशरूम जाना था, वो मैंने यूज़ कर लिया। अब चलते हैं भाई अपनी जर्नी पे वापस। तो भाई मेरे को लग रहा है हवा की आवाज़ आ रही होगी, पर देखते हैं, मैं वीडियो चेक करूँगा तब पता चलेगा। सो भाई दोस्तों, आप मेरे से पूछो कि कैसा लगा भाई मेरा, मैं फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहा था भाई यहाँ पे, और सीधा मोटरवे पे भी है, और मैं शायद 140 या 150 माइल्स जा रहा हूँ लंदन से। तो मेरा ऑल मैं मतलब एक घंटा रह गया सारा, मैं ब्रेक ले लिया तो मेरे 10 मिनट आगे होंगे, क्योंकि एक घंटे में पहुँच जाऊँगा मेरे डेस्टिनेशन पे। सो मुझे अच्छा लगा यार, अपनी कार बहुत अच्छा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, तो मज़ा आ रहा है। मतलब कि ऐसा कुछ अलग नहीं लगा मेरे को। मैं पहले भी जैसे इंडिया में तो चलाता ही था, इंडिया में मेरे 6 साल पुराना लाइसेंस है मेरे पास, और आज अभी गिनवाए तो 6-7 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट 6 ईयर्स पुराना लाइसेंस है। तो है फ़ायदा है, मतलब फ़र्क है अगर आपको ढंग से ड्राइविंग आती है तो। बाकी छोटी मोटी चीज़ें यार, इनके साइंस वगैरह हैं जो सिग्नल होते हैं या साइन होते हैं, स्पीड लिमिट होती है, इन चीज़ों का ध्यान देना होता है। बाकी एक बार मैं कहूँगा लेसन ले लो आप लोग, अगर किसी ने पहली बार ड्राइव करनी है तो लेसन ले लेना जरूर, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ के साइंस वगैरह का, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सो चलते हैं भाई अपनी डेस्टिनेशन पे वापस, अपने मोटरवे पे चढ़ जाएंगे। और भाई अपने गाड़ी कैसी लगी ये बताना, सेक्सी लग रही है ना? है ही सेक्सी, फिर 17 इंच के लोहे व्हील है इसके, मतलब बढ़िया गाड़ी है। थू 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 थू, ये देखो है ना चीज। चलो फिर चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। लो भाई दोस्तों, फाइनली पहुंच गया हूं मैं अपनी लोकेशन पे, अपनी डेस्टिनेशन पे। सो पहुंच गया, बढ़िया था गाइड यार, एक नंबर स्वाद आ गया, मतलब बढ़िया स्वाद आ गया। दोस्तों कार खरीदते ही पहले दिन ही, मतलब दूसरा दिन है, कार खरीदने के दूसरे दिन ही मैं वहां से लंदन से डर्बी आ गया था। अच्छा एक्सपीरियंस था भाई, रूल्स वगैरह कह सकते हो आप, मतलब कि थोड़ा सा जो पढ़ा लिखा बंदा है ना वो थोड़ा ध्यान देगा ना, तो सब चीज सेम ही है, ठीक है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। शुरू शुरू में दिक्कत आती है पर बहुत इजी लगने लग जाता है फिर। सो पहली जर्नी मेरी बहुत बढ़िया रही, सब चीज सही रही, अब तक कोई टिकट भी नहीं आई है, तो इसका मतलब मैंने ओवर स्पीडिंग भी नहीं करी, सब चीज सही रहा है। सो अच्छा लगा ये। तो भाई व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कोई क्वेश्चन हो दिमाग में तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख देना, अच्छा लगा है नहीं लगा, जो भी आपकी राय है वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। फेसबुक पे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, यूट्यूब पे देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को भी लाइक कर देना, ठीक है। चलो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, मजे आने वाले हैं, मस्त मस्त व्लॉग हो रहे हैं। सो